सब्सक्राइब कीजिए टैग्स द यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपको होस्ट फराज और आप देख रहे हैं टैग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में एडोब लाइटरूम को इस्तेमाल करते हुए अपनी पिक्चर को किस तरह से अच्छा सा जो है एडिट कर सकते हैं और उसको एक प्रोफेशनल लुक किस तरह से दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब का चैनल टैग्स सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना टाइम इसकी वीडियो शुरू कर लें। सबसे पहले जो है आप लोगों ने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के ज़रिए जो है इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना है एडोब लाइटरूम को। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल करा हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने अपने मोबाइल की गैलरी में से उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। मैं ज़रा उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। आपको तो मैं जो है इस पिक्चर को एडिट करना चाहता हूँ। इस पिक्चर को जो है आप लोगों ने पहले गैलरी में ओपन करना है। गैलरी में ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सेंड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को एडोब लाइट रूम का ऐप मिलेगी, उस पर जो है आप लोगों ने इसको सेंड कर देना है। ये यहाँ पे एडोब लाइट रूम की ऐप आ रही है मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। अब आप लोग एडोब लाइट रूम में अपनी फ़ोटो को जो है सेंड कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने वापस से जो है एडोब लाइट रूम में आ जाना है, एडोब लाइट रूम खोलना है। उसके बाद आप लोगों ने होम पे आना है। होम पे आएंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो है पिक्चर ऑलरेडी यहाँ पर जो है ऐड हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने उसको क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आप लोगों ने करना है इसमें मेन काम जो एडिट का है। आप लोगों को यहाँ पे एक लाइट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जो है इस मीटर, ये जो एक मीटर ऐसा नज़र आ रहा है आपको, एरो का निशान नज़र आ रहा होगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है मिक्स पर। मिक्स पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है आप लोगों ने अपने अपने फ़ोटो के हिसाब से जो है तमाम जो है अपने ऐसे कलर की सेटिंग करनी है। मैं आप लोगों को जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों की जो है पिक्चर पे यही सेटिंग फिट बैठती है तो आप लोगों ने यही सेटिंग करनी है, वरना आप लोग जो है इससे कम ज़्यादा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं सेटिंग को। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग करके दिखाता हूँ। तो आई बिलीव कि आप लोगों को जो है इसकी सेटिंग एडोब लाइटरूम के कलर की सेटिंग समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप लोग जो है वीडियो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब बारी आती है, हमने अपनी फ़ोटो तो एडिट कर ली प्रोफेशनल तरीके से जिस तरह से एडोब लाइटरूम में होती है विदाउट प्रीसेट के ज़रिए। अब इसको आप लोगों ने डिवाइस में सेव किस तरह से करना है। आपने जो तमाम की तमाम सेटिंग करने के बाद आप लोगों ने उसके बाद डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो है शेयर के बटन पे क्लिक करना है, जो थ्री डॉट्स के साइड पे जो आपको बटन नज़र आ रहा है एक शेयर का, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है सेव टू डिवाइस पे। सेव टू डिवाइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर जो है आप लोगों की गैलरी में सेव हो जाएगी। इसको जो है आप लोग एडोब लाइटरूम को अगर बैक करके देखें तो आपकी फ़ोटो जो है यहाँ पे एडिट होकर आ चुकी है। तो इस तरह जो है आप अपनी फ़ोटो को जो है एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है मैं इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन जो है आप लोग को एडोब लाइटरूम के और भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स दिखाऊंगा, प्रीसेट्स के ज़रिए आप लोग किस तरह से फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी एडिटिंग इसमें होती है एडोब लाइटरूम में, काफ़ी अच्छी ऐप है ये, इसको आप लोग जो है लाजमी से ट्राई करें।
उम्मीद करता हूँ आप लोग आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।